वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष दसवीं वर्ग की जो सामाजिक विज्ञान है उसका सेट तो आपके समक्ष उसका सॉल्यूशन पेश करने जा रहा हूँ, जिसकी समय अवधि 1.5 घंटे की और होगी और प्रश्न की संख्या 40 होगी और पूर्णांक भी 40 होगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसके टॉपिक की ओर चलते हैं। तो इसका जो पहला सवाल हमारा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां का शासन था। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा लुई 16वां। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे लुई 16वां का, लुई 16वां हो गया। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक मॉन्टेस्क्यू था। तो इसका उत्तर मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह किसका कथन है? तो यह कथन मैटरनिक का था। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मैटरनिक। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी दो भागों में टूटा हुआ था लेकिन बाद में जर्मनी को मिला करके एक देश राष्ट्र बनाया गया और ये क्रिया जो हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। तो इसका उत्तर हमारा जगह 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा फ्रांसीसी चित्रकार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 1893 ईस्वी। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो चौरी चौरा यूपी में पड़ती है। यूपी में एक जगह था गोरखपुर, वहाँ पर उस दौरान जो प्रदर्शनकारी था उन्होंने पुलिस थाने में चौरा चोरी में आग लगा दी, जिसमें से कई पुलिसकर्मी जल करके मर गए थे। इसकी वजह से महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। यह घटना जो हमारा है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 5 फरवरी 1922। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 5 फरवरी 1922। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा बिना किसी के सामने पेश किए उसको जेल में डाला जा सकता था और उस पर कार्रवाई की जा सकती थी। और यह एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत लोगों का जो कानून है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता था। और ये कानून 1919 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया था। इसके अंतर्गत लोगों को साथ बिना कुछ कहे पूछे उसको जेल में डाला जा सकता था, उसको तंग किया जा सकता था। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है और इसके रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को माना जाता है। और आनंद मठ से ही हमको 1857 की क्रांति का सही तरह से विवरण मिलता है। बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। और एक संसाधन को हम कहते हैं नवीकरणीय, दूसरा का अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन जिसका नवीकरण होता रहता है बनता रहता है, अनवीकरणीय संसाधन वह है जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसका उपयोगिता खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती पर्वतीय राज्यों में की जाती है। तो पर्वतीय राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये मैदानी क्षेत्र हैं, जबकि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। तो उत्तराखंड में इसकी खेती की जाती है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है?
जब नदी अपने साथ गाद को ले जाती है, गाद ले जाने के बाद जमा कर देती है, तो उस को हम उस नदी द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ का मतलब ही होता है नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी। इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। और समुद्र में गिरने से पहले नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरबन का डेल्टा, पूर्वी भाग में भी डेल्टा है सुंदरबन। अगला प्रश्न हमारा है, किस मृदा को रेगड़ या स्वतः जुताई की वाली मिट्टी भी कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है, तो इसको काली मिट्टी को ही हम कहते हैं रेगुड़ मिट्टी। तक इसका उत्तर हो जाएगा हमारा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संसाधन तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें लोगों की भागीदारी होती है। चिपको आंदोलन, लोगों की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकती। बीज बचाओ आंदोलन, इसमें भी लोगों की भागीदारी होती है। लेकिन वन जीव पशु विहार का परिसीमन, ये सरकार द्वारा तय किया जाता है। ये सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है, इसमें लोगों की भागीदारी नहीं बल्कि सरकार की भागीदारी होती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियाँ भारत में पाई जाती हैं? तो भारत में विश्व की 8% उपजातियाँ भारत में पाई जाती थी। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 8%। भारतीय वन्य जीव अधिनियम या वन्य जीव या रक्षण अधिनियम का पारित किया गया था। तो भारत में जानवरों को बचाने के लिए कानून कब लाया गया? तो ये 1972 में लाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में बहुदेशी नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो भारत में बहुदेशी नदी परियोजना को भारत का आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बहुदेशीय योजना को बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का शिलान्यास किया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड में स्थित है, इसको हम DVC के नाम से जानते हैं, दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, DVC। सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? सरदार सरोवर बांध से प्रभावित राज्य गुजरात है, और इसकी वजह से गुजरात में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ा दी गई है, और बढ़ाने की वजह से वहाँ के जो वायुमंडल है, पारिस्थितिक तंत्र, उस पर बहुत सारी विपरीत प्रतिक्रियाएँ होने लगी। लेकिन सरकारों को इससे लेना देना नहीं है, इसके वजह से भूमि के धंसने की या ज़मीन के धंसने की रफ्तार बढ़ रही है। अगला प्रश्न है हमारा कि औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो औसत आय या प्रति व्यक्ति आय एक किसी देश के वर्गीकरण करने का एक आधार माना जाता है, जिसमें देश की कुल आबादी को, देश की कुल आय जो होती है टोटल इनकम, उसको टोटल पॉपुलेशन से भाग दे दिया जाता है, तो वो देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, भागफल। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा का। अगला प्रश्न हमारा है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो विभिन्न देशों में वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय जो होती है उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसके आधार पर भी देश में जो लोगों की हेल्थ इंडेक्स हो गया, ये लाइफ स्टाइल हो गया, या और चीज़ें हो गई, स्वास्थ्य को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, वो मानव विकास सूचकांक के आधार पर देखा जाता है, लेकिन मापदंड जो विश्व बैंक अपनाता है वो प्रति व्यक्ति आय है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है, नवीकरणीय साधन का उदाहरण कोयला अनवीकरणीय है, पेट्रोल अनवीकरणीय है, लेकिन भूमिगत जल, पानी, जमीन का पानी हमेशा नवीकरणीय होता रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल। अगला प्रश्न है, लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं, लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन विरोधी हो सकते हैं, हर आदमी की विकास एक जैसे नहीं हो सकती, इसलिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा भिन्न लेकिन परस्पर विरोधी। अगला प्रश्न है, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को
₹10 प्रति केजी की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा प्रति ₹15 प्रति केजी की दर से बेचा। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी तेल जैसी वस्तुओं का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाया और बाज़ार में उपभोक्ताओं को ₹80 में 20 रुपये प्रति पैकेट की दर से बिस्कुट बेचा। तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपर्युक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? तो इसमें उत्तर जो हमारा हो जाएगा बिस्किट है, क्योंकि बिस्किट इसका उत्पाद जो है बिस्किट ही है और इसी के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाएगी। इसको बेचने के बाद विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र में मानी जाती है? तो विनिर्माण क्षेत्र हमारा जो है, विनिर्माण क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र भी मानते हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा विनिर्माण जो हमारा तृतीयक है, द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। अनीता की एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहाँ वह सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, वहाँ उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दिनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है, किसका असंगठित है? तो अनिता असंगठित क्षेत्र है में काम करती है, जबकि सीता जो है संगठित क्षेत्र में है काम करती थी। इसका उत्तर जो हो जाएगा का हो जाएगा, मतलब सरकारी और गैर सरकारी संगठन। तो सरकारी क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उसमें उसकी नौकरी फिक्स होती है, जॉब फिक्स होती है, ना करने के बावजूद भी, ना काम पे जाने के बावजूद भी उनकी सैलरी में जो कुछ दिन सरकारी छुट्टी होते हैं उसके बदले पैसे मिलते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, काम के बदले पैसा नहीं, काम करने के बदले नहीं, कुछ नहीं पैसा मिलता है इनको। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, जब कोई वस्तु बनाया जाता है तो उसमें अंतिम वस्तु जैसे ऊपर में दिया गया था बिस्किट, तो बिस्किट जब अंतिम उत्पाद है हमारा तो उसमें आलू हो, चाहे आटा हो, चाहे मैदा हो, चीनी हो, तेल हो, ये सारी चीज़ों के दाम शामिल होती है, ये सब चीज़ पहले से शामिल कर लिया जाता है। इसका उत्तर हमारा जगह पहले से शामिल। रोज़गार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो रोज़गार गारंटी अधिनियम जिसको नरेगा कहते हैं, इसको सबसे पहले 2005 में लागू किया गया था और इसे मनमोहन सिंह ने लाया था। इसके अंतर्गत 100 दिन साल में कम से कम 100 दिन रोज़गार देने का प्रावधान लिया था और उस कामना बदले मिलने के बाद उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का प्रावधान है। भंडारण क्षेत्र को किस क्षेत्रक में शामिल किया था? भंडारण तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा है, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? तो संघीय शासन व्यवस्था में देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना ये शामिल है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना ये भी शामिल है। विभिन्न स्तरों के स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा करना ये भी शामिल है, जबकि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना ये शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा घा हो जाएगा। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है या कितना प्रतिशत है? बेल्जियम में 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 40%। अगला प्रश्न हमारा है, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो श्रीलंका में तमिल को 1960 में राजभाषा घोषित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1960। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? तो 22 भाषाओं में, और ये भाषाएं पहले की मुद्राओं के, पहले के जो नोट होते थे उस पर अंकित होते थे, आज भी मौजूद हैं। तो 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संघ, राष्ट्रपति,
भारत एक संघ है जिसमें प्रधानमंत्री के वैल्यू ज़्यादा है, ना कि राष्ट्रपति का, तो ये सुमेलित नहीं है। राज्य और उपराष्ट्रपति, तो राज्य में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दखल दे सकते हैं, नगर निगम में मेयर होता है, ग्राम पंचायत में सरपंच या मुखिया होता है। तो राज्य में सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो ये भारतीय संघ में राष्ट्रपति शामिल है, तो इसका उत्तर जो सुमेलित नहीं है तो इसका उत्तर होगा खा हो जाएगा, क्योंकि राज्य में उपराष्ट्रपति नहीं होता है, वो राज्य में राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न हमारा है, सेवन पार्टी अलायंस, सात सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा नेपाल। बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है, तो बोलीविया जो है एक लातिनी अमेरिकी देश है या दक्षिण अमेरिकी देश है, तो इसको हम कहेंगे लातिनी अमेरिकी। लातिनी शब्द यहाँ जो लिया गया है उर्दू भाषा है, गलत नहीं है, जबकि कई यूट्यूबर इसको गलत मानते हैं ना जानकारी होने की वजह से उर्दू की, क्योंकि लातिनी का अर्थ होता है दक्षिणी। तो दक्षिण अमेरिका में बोलीविया एक देश है। बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो फेडेकोर ने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा फेडेकोर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक दलों की चिंता नहीं करते, ये सत्य है, दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित है जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक होता है, ये भी सही है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते, ये भी सही है। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के होते हैं, ये नरम गरम की प्रकृति होती है, ये समान नहीं हो सकता, इसलिए इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा घा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में एसपी सेवन पार्टी अलायंस में किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया था, तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा राजा वीरेंद्र, उनको सेवन पार्टी में अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया था। तो आज मैंने आपके समक्ष सोशल साइंस का जो दूसरा सेट है उसका समाधान रखा, आने वाले दिनों में और भी जो सेट है उसका सॉल्यूशन आपके समक्ष पेश किया जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट पहुँच सके। धन्यवाद।